सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सबका स्वागत है मेरे चैनल फ्लो एंड फोना में। मैं हूं सनत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको अपने हैमस्टर्स का पूरा केज बना के दिखाऊंगा। ये इनके केज का बेस है। इसमें आज मैं आपको प्रॉपर टोटल पूरा इनका केज बना के दिखाऊंगा, सेटअप करके दिखाऊंगा। उसमें फूड बाउल, फूड वाटर बॉटल और उसके अंदर बेडिंग सब कुछ, और ये टू स्टोरी होने वाला है। और उसके अंदर बेडिंग मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, ये चिप्सी की बेडिंग है। ये आपको आसानी से किसी भी पेट शॉप पर मिल जाएगी। और ये मैं आपको और भी बेडिंग के बारे में बताऊंगा। अगर आपके पास ये वाली बेडिंग नहीं है या अगर आप इस वाली बेडिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप और कौन सी बेडिंग यूज़ कर सकते हो, घर पे बेडिंग कैसे बना सकते हो, और भी सारी चीज़ें आपको आज कवर्ड होंगी इस वीडियो में। आपको कितनी बेडिंग रखनी, कितनी नहीं, कितना खाना देना है, सब कुछ आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरह ये बेडिंग जो है मैंने इसमें डाल दी है। बेडिंग की क्वांटिटी मिनिमम आपको इतनी रखनी है जितनी मैंने इसमें डाली है। आपकी मिनिमम इतनी बेडिंग होनी चाहिए। अगर अभी जैसे समर्स का टाइम है तो मैंने बेडिंग की क्वांटिटी कम रखी है। अगर आपके यहाँ विंटर्स चल रहे हैं या फिर आपके यहाँ जब विंटर्स का टाइम आता है तो आपको बेडिंग की क्वांटिटी जो है इंक्रीज कर देनी है। बेडिंग का बेसिकली टू मेन पर्पसेस होते हैं बेडिंग के। पहला पर्पस होता है कि इसका जितना भी यूरिन और पूप होता है उसको एब्जॉर्ब करना, और आपके पेट का जो आपके पेट का जो सेटअप है उसको बिल्कुल जर्म फ्री, बैक्टीरिया फ्री रखना और उसको स्मेल ना आना उसमें। दूसरा इसका पर्पस होता है आपके पेट्स को टेम्परेचर मेंटेन करना। विंटर्स में, समर्स में इनको जो भी वार्मथ है वो मिलती रहनी चाहिए और उस तरह इनका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। तो इतनी बेडिंग हमने डाल ली है। अब हम बात करते हैं कि सपोज आपके पास इतना एक्सपेंडिचर नहीं है, क्योंकि ये वाली बेडिंग काफ़ी एक्सपेंसिव है। ये 200 रुपीज़ की 1 kg बेडिंग है, सिर्फ 1 kg 200 रुपीज़ की है। तो उस केस में आप कौन सी बेडिंग यूज़ कर सकते हो? तो आपके पास दो सेफ ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, और दूसरा ऑप्शन है जो गाय का चारा होता है उसमें एक सूखा चारा मिलता है, जैसे सूखा भूसा भी कहते हैं, वो आपको चारे की दुकान से आराम से मिल जाएगा। अब उस वाले भूसे में मिट्टी निकाल करके, छन्नी से मिट्टी हटा करके उसके आप उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी होता है और चूरा होता है, वो थोड़ा इनको हार्म कर सकता है। तो इसलिए आपको एक स्टेप में उस मिट्टी या चूरे को अच्छे से छानना भी होगा। वो वाली बेडिंग की क्लिप भी आपको अभी यहाँ पे साइड में दिख रही होगी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ दूसरा वाला ऑप्शन, जो कि आप घर पर ही आराम से बना सकते हैं। दूसरे ऑप्शन में आप इस तरह श्रेडेड टिश्यू पेपर का यूज़ कर सकते हैं, टिश्यू पेपर, टॉयलेट रोल, कुछ भी। न्यूज़पेपर इसमें मैं आपको इतना रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि न्यूज़पेपर में क्या होता है उसमें थोड़े केमिकल्स और इंक्स भी होती है, जो कि ये अगर उसको च्यू करेंगे या फिर उसको अपने अंदर लेंगे तो इनको हार्म कर सकता है। आप इस तरह की पीसेस में टिश्यू पेपर को श्रेड करके इनके एंक्लोजर में डाल सकते हैं। तो इसका बेस अभी तैयार हो चुका है, अब हम इसके ऊपर का स्ट्रक्चर बनाएंगे। उसके ऊपर का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको इस तरह का हर केज के साथ मिल जाता है। आपको इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ, दो क्लिपिंग्स हैं, उन दो क्लिपिंग्स की मदद से हम इसको इस पर टाइट करेंगे। ये आपको दिखा देता हूँ मैं, ये इस तरह की क्लिप है। आप जब इसको ऐसे इस पर कर देंगे और दोनों साइड से, आपको दोनों साइड से करना होगा। बस अभी आपका जो केज है ये प्रॉपरली लॉक्ड हो चुका है और ये इसके अंदर जाने का रास्ता है। अब हम इसके अंदर इसके ऊपर का पूरा फ्लोर बनाएंगे और इसके अंदर बाकी सारे हमारी एक्सेसरीज लगाएंगे। तो ये अब आप देख लीजिए, ये मैंने इसका टॉप फ्लोर बना दिया है ऑलरेडी। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, कई लोगों का इस तरह का वायर्ड फ्लोर होता है, तो चाहे आपके पास सीरियन हो चाहे डॉर्फ हो, आपके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपने इस टॉप फ्लोर को टेप कर दें। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे अगर, तो ये वायर मैश के ऊपर टेप लगी हुई है जिससे वो आराम से इस पर चल सकें, क्योंकि जब मैंने लाया था तो ये वायर के ऊपर बिल्कुल नहीं चल पाया, तो इन्हें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही थी, तो इसलिए मैंने सिंपली इसे टेप कर दिया है। तो अभी आराम से चल सकते हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया जो है ये टेप्ड अच्छे से, और इसमें आराम से चल सकते कम्फर्टेबली। और इसमें आपको इंश्योर करना है कि इसकी हाइट जो है, ये वाली हाइट, ये इतनी हो कि आपका हैमस्टर आराम से इसके ऊपर आ सके और यहाँ पर आके बैठ सकें। अब हम फूड बाउल लगा देंगे। फूड बाउल आप कहीं भी लगा सकते हैं, ट्राई करिए कि कॉर्नर्स में ना लगाए, क्योंकि कॉर्नर्स में हैमस्टर्स को जाना काफ़ी पसंद होता है, तो वो उसके फूड बाउल को डिस्टर्ब करेंगे। ये है व्हील, ये वाले व्हील का डायमीटर थोड़ा छोटा है, ये आपको ड्वार्फ हैमस्टर्स को चल जाएगा। ड्वार्फ हैमस्टर्स में भी कुछ एक दो हैमस्टर्स जिनका साइज थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा उनको प्रॉब्लम आएगी इसमें, लेकिन सीरियन हैमस्टर्स के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं। सीरियन हैमस्टर्स के लिए आपको इससे बड़ा वाला जो होता है वो परचेज करना होगा। मेरे दोनों हैमस्टर्स ड्वार्फ हैं और उनके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें आराम से रन कर पाते हैं, तो इसलिए मैं इनको इसमें लगा रहा हूँ।
कि यहाँ पे इस तरह लग गया है। अब ये है हट, ये आपको इसमें आपको थोड़ी सी बैटिंग डालनी ज़रूरी है, इसमें भी आप थोड़ी सी बैटिंग हमेशा डालिए, आपके हैमस्टर को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इस तरह से। अब जो है हम इसको ऊपर प्लेस करेंगे, ऊपर वाले फ्लोर पे, यहाँ पर ही। अब बात कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो है वाटर बॉटल। अमेजोन में आपको बहुत सारी वाटर बॉटल्स मिल जाएंगी, लेकिन इनमें से ऑलमोस्ट सारी वाटर बॉटल जो वो लीक करती हैं। अब लीक करने से क्या होता है कि जब आपकी वाटर बॉटल लीक करती है तो वो सारा पानी आपकी बेडिंग में फैला देती है, उससे आपकी बेडिंग गीली और ठंडी हो जाती है। जब आपकी बेडिंग गीली और ठंडी हो जाती है तो उसके वजह से आपके हैमस्टर की बीमार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो एनवायरनमेंट उनके बिल्कुल सूटेबल नहीं है और उन्हें कोल्ड भी हो सकता है। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि आप बिल्कुल एक लीक प्रूफ वाटर बॉटल यूज़ करें, जो आपके हैमस्टर्स की केच को ख़राब ना करें। अगर आपको चाहिए तो आपको इस वाली वाटर बॉटल का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये वाटर बॉटल बिल्कुल भी लीक नहीं करती है, पर अगर आप अपने केज को मूव करोगे, हिलाओगे वाटर बॉटल के साथ में, तो आपकी वाटर बॉटल से पानी लीक कर गया करेगा। तो हमेशा अपनी वाटर बॉटल को निकालिए और उसके बाद अपने केज को मूव करिए। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको अपनी वाटर बॉटल को किस हाइट पर प्लेस करना है, जिससे आपका हैमस्टर कंफर्टेबली उसको ड्रिंक कर सके। ये आप देख सकते हैं, एटलीस्ट इतनी हाइट होनी चाहिए जिससे आपका हैमस्टर खड़े होकर इस बॉटल से पानी पी सके। मिनिमम इतनी हाइट होनी चाहिए, आप इससे हल्की ऊपर हल्की नीचे भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा पूरा केज रेडी है। इस तरह का केज आपको आराम से किसी भी पेट शॉप में अप्रॉक्सीमेटली 2000 रुपीज़ में आराम से मिल जाएगा। इस केज में इस समय ये पूरा केज जो है ये फुल्ली सफिशिएंट है दो हैमस्टर्स के लिए या फिर एक हैमस्टर्स के लिए। आप इसमें टू हैमस्टर्स तक कंफर्टेबली रख सकते हैं। अगर आपके पास दो से ज़्यादा हैमस्टर्स हैं तो आप थोड़े और बड़े केज में आप स्पेंड करिए। अभी आप देख सकते हैं इसमें सब कुछ है, इसमें वाटर बॉटल, फूड बाउल, व्हील, हट, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं। आप चाहें तो हट को अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन वाटर बॉटल, फूड बाउल और जो व्हील है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी हैमस्टर की हेल्थ और एक्टिविटी के लिए। तो चलिए फाइनली अब मैं इसमें अपने हैमस्टर्स को आपको डाल के दिखाता हूँ। ये वाला अभी टेम नहीं है, इसलिए मैं इसको इस तरह से पिकअप करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं मैंने दोनों को इस केज में छोड़ दिया है। अगर आपको किसी भी एक्जॉटिक एनिमल से रिलेटेड केयर्स, उसकी केयर से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, चाहे रैबिट्स हो, टर्टल, टॉर्टा या जिगुआना, कोई भी कुछ भी, अगर आपको उनकी केयर या फिर उनके ब्रीडर के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं और मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं आपके डीएम का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आपको लेफ्ट साइड में मेरा स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा मेरे इंस्टाग्राम पेज का, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही हैमस्टर रिलेटेड और एक्जॉटिक पेट्स रिलेटेड और वीडियोज़ देखने के लिए। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। We'll be right back.